भाई बात करेंगे सलार की क्रेज के बारे में। क्या जबरदस्त क्रेज बढ़ा है यार, क्या जबरदस्त क्रेज बढ़ा है। देखो आदि पुरुष मूवी रिलीज होने के बाद अभी सलार का कुछ भी नहीं आया है, बस एक रिलीज डेट है टीजर का, जो कि अनऑफिशियल तरीके से हर जगह फैली हुई है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में हमें सलार का टीजर देखने को मिलेगा, 7 जुलाई को देखने को मिलेगा। ये कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, अनऑफिशियल है ना, लेकिन फिर भी एक अनऑफिशियल डेट के साथ भी सलार का क्रेज इतना जबरदस्त है, मैं आपको क्या बताऊं। देखिए हम बुक माई शो के ऊपर थोड़ा सा नजर फिर लेते हैं, तो वहां पे देखो 16 जून, मतलब जब आदि पुरुष मूवी रिलीज हो रही थी उसी टाइम पे सलार का इंटरेस्ट था 150K के अंदर था, 150K भी नहीं हो चुका था उस टाइम पे। ओके, लेकिन अभी जो है ना, ये जो अनऑफिशियल डेट एक आया है कि सलार का टीजर इस टाइम पे आएगा, तो बस इतने में सलार का जो इंटरेस्ट है ना वो 16-17K तक बढ़ चुका है, 16-17 हजार इंटरेस्ट बढ़ चुका है। मतलब एक एक अनऑफिशियल डेट, जो कि अनऑफिशियल डेट सलार का टीजर को लेकर के कितने सारे आ चुके हैं हमारे पास, कितने सारे, मतलब टीजर अभी आएगा, कब आएगा, टीजर टीजर की अपडेट को लेकर के आपको इतने सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पर, हर जगह पे सलार की टीजर को लेकर के। 2022 से चल रहा है कि सलार का फर्स्ट टीजर आएगा, इसी डेट को आएगा, तो इस तरह का अनऑफिशियल डेट बहुत सारा आ चुका है, ठीक है ना। लेकिन अभी आदि पुरुष मूवी रिलीज होने के बाद अभी सलार के ऊपर लोगों का नजर इतना जबरदस्त तरीके से टिकी हुई है, और सलार मूवी के ऊपर सबका भरोसा है कि ये डार्लिंग प्रभास के कमबैक वाली फिल्म होगी, जो कि साहो हो गया, राधेश्याम हो गया, अभी ये आदि पुरुष हो गया, ये सभी ये तीनों फिल्म का बदला लेगा। मतलब इस तरह का जो जो उम्मीद है लोगों का, वो उम्मीद इतना जबरदस्त है कि अभी एक अनऑफिशियल डेट के चलते भी सलार का क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है मेरे भाई। 16K सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 दिन में एक अनऑफिशियल डेट के साथ, जो कि कोई कंफर्मेशन नहीं है, उसके साथ एक रूमर्स फिर ये भी फैला हुआ है कि मतलब 15 अगस्त तक भी हमें सलार का टीजर देखने को मिल सकता है, क्योंकि 3 महीने रिलीज होने के लिए, फिल्म रिलीज होने के लिए 3 महीने अभी भी बाकी है, तो सलार का टीजर थोड़ा डिले भी हो सकता है ना। लेकिन अभी तक तो ऑफिशियल रिलीज डेट नहीं आया है, लेकिन फिर भी ये अनऑफिशियल रिलीज डेट के साथ भी सलार का क्रेज जो है बहुत जबरदस्त है यार। यार सच में यार, देखो आदि पुरुष मूवी के साथ जो भी हुआ, अभी जो विवाद हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, इसमें एक बात तो समझ में आ जाता है भाई, आप लोग मानो ना मानो, मुझे ऐसा महसूस होता है कि आदि पुरुष मूवी की ये रिजल्ट के साथ ना सलार की भूख जो है और ज्यादा बढ़ गया है, खास करके डार्लिंग फैंस की और सारे ऑडियंस की, जो कि सलार मूवी ही वो मूवी है जो कि डार्लिंग प्रभास को सब लोग जिस तरह से देखना देखने का पसंद करते हैं, जिस तरह से देखने देखने के लिए चाहते हैं ना, वो सारा चीज सलार मूवी में ही देखने को मिलेगा। तो ये जो भूख है, ये जो तलब है ना, ये और ज्यादा बढ़ गया है। तो भाई मैं ये अभी महसूस कर रहा हूँ बुक माई शो की इंटरेस्ट को देख करके, इतना जबरदस्त तरीके के बढ़ा है, और जब टीजर आएगा तो पता नहीं क्या होगा, जब टीजर आएगा तो ये 200K हो जाएगा मेरे भाई, जब जस्ट टीजर में ही है ना, उसके बाद जब फिर अलग आउटपुट आएंगे तो क्या होगा पता नहीं, है ना। तो क्रेज बहुत जबरदस्त है यार, बस दुआ करो कि ये जो अनऑफिशियल रिलीज डेट अभी हर जगह पे फैली हुई है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में सलार का टीजर हमें देखने को मिलेगा बोल करके, ये सच निकल जाए, है ना, और वाकई में हमें 7 जुलाई या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में किसी भी डेट में सलार का टीजर हमें देखने को मिल जाए भाई, जबरदस्त होगा, एक बहुत बड़ी दावत होगी, राहत होगी, मजा आएगा, क्या कहते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, ठीक है।